नमस्कार, आज एक बीमारी का आपको डिस्कस करता हूँ, टेनिस एल्बो। ये बीमारी बहुत फेमस हुई थी जब सचिन तेंदुलकर को ये बीमारी हो गई थी। एक्चुअल में ये स्पोर्ट्स मैन्स को ज़्यादा होती है, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो टेनिस खेलते हैं, या क्रिकेटर में सचिन तेंदुलकर को जब हुई थी तो ये बहुत बड़ी फेमस हो गई थी, क्योंकि इसकी वजह से वो रिटायरमेंट लेने वाले थे। टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो में क्या होता है, टेनिस तो आपको पता ही, टेनिस एक गेम का नाम है, एल्बो का मतलब ही कलाई, यानी कि जिस गेम में हमारी कलाई का यानी कि हमारे एल्बो का इस्तेमाल हो, कोहनी का इस्तेमाल हो, उस और टेनिस की वजह से बीमारी होगी तो उसको टेनिस एल्बो बोलते हैं। तो इस एरिया में मसल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ गया, आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो आपको बैक पेन आ जाता है, आपके सर्वाइकल के अलाइनमेंट का बिगड़ गया तो सर्वाइकल पेन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपकी एल्बो का अलाइनमेंट बिगड़ना टेनिस एल्बो की पहचान है, यानी कि इस समय पर यहां से खिंचाव पड़ जाता है, गलत तरीके से खेलने शॉट खेलने पे या लगातार एक ही शॉट को खेलने से यहाँ की मसल्स खिंच जाती हैं, और इसकी वजह से इसको सेट करके रखने पर इसमें कई बार प्लास्टर भी चढ़ा देते हैं, कई बार इसमें कच्चा प्लास्टर चढ़ा देते हैं, कई बार इसमें दूसरा प्लास्टर चढ़ा देते हैं, तो जिससे कि इसकी मसल्स को सेट करा जाते हैं। अब टेनिस एल्बो क्या है, ये इंजरी का केस है, ध्यान से सुनना, क्योंकि लगातार एक ही प्रोसेस से खेलना, एक ही प्रोसेस से मारना, ये इंजरी होती है अंदर और यहां पर इंफ्लामेशन हो जाती है, समझते हैं इस केस को। टेनिस एल्बो इंजरी से शुरुआत होता है और ये इंफ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूरोथेरेपी क्योंकि बेस पे काम करते हैं, क्योंकि कॉज पे काम करते हैं, तो इसमें इंजरी ट्रीटमेंट देना तो कंपलसरी है, यानी कि आपको इंजरी ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा, और कुछ दिन के बाद में इसमें इंफ्लामेशन ट्रीटमेंट भी देना है, क्योंकि स्वेलिंग को भी खत्म करना है। अब फिजिकल ट्रीटमेंट क्या देना है ये मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें जो फिजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसका नाम ही टेनिस एल्बो पॉइंट है। टेनिस एल्बो पॉइंट को बड़ी सावधानी से दिया जाता है और कुछ काउंटिंग के साथ दिया जाता है, यानी कि आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। कैसे देंगे, मान लीजिए ये पेशेंट है और इनको टेनिस एल्बो हो गया है, तो इनके हाथ को मैं इस तरीके से तकिए को रख लेता हूं, ये तकिया लगाया मैंने और ये हाथ मैंने इस कुर्सी के सहारे ऐसे रख दिया। यहां से धीरे धीरे, क्योंकि इनको मसल्स, यानी कि मैंने बताया अभी आपको कि इनके एल्बो की मसल्स जो हैं, जो ये एल्बो की मसल है, ये अपनी जगह से खिसक गई है, इनको सेट करना है, तो मैं हाथ से पकड़कर धीरे धीरे यहां से मसल्स को दबा रहा हूं, और दबाने के बाद में अपने पैर को इस तरीके से सेट करूंगा कि ये इनको दर्द भी ना हो और मेरा हाथ का पैर का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता चला जाए, और मैं इस तरीके से इनको होल्ड करूंगा, लगभग 90 सेकंड तक होल्ड कर सकता हूं। अगर 90 सेकंड से पहले इनके हाथ सुन्न होने शुरू हो जाए, ध्यान करना, पेशेंट से पूछते रहना है कि आपके हाथ की उंगलियां सुन्न हो रही है या नहीं हो रही है। अगर 90 सेकंड से पहले सुन्न हो जाए, आप हाथ को देख भी सकते हैं, धीरे धीरे ये हाथ सफेद पड़ना शुरू हो जाएगा, चीटी चीटी काटने लग जाएंगी यहां पर, तो इस हाथ का सबसे पहले सर्कुलेशन हमें रोकना है। लेकिन ये 90 सेकंड मैक्सिमम टाइम मैंने बताया आपको। कुछ रुकना शुरू कर, अब आप देखिए इनका हाथ आपको पहले से व्हाइट नजर आना शुरू हो गया है, यानी कि स्वाभाविक है। आप दूसरा हाथ दिखाओ, आप ये हाथ देखिए और इसमें देखिए, ये रेडिश नजर आ रहा है, ये व्हाइटिश नजर आ रहा है, दोनों हाथों में आपको साफ अंतर नजर आ रहा होगा कि यानी कि इसमें सर्कुलेशन धीरे धीरे रुक रहा है। रख दीजिए, ठीक है। जब आप ये सुन्न होना शुरू हो जाए, थोड़ी चीटी चीटी सी काटने लग जाए, तो फिर आप हाथ को इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, और हल्का सा जर्क ऊपर की तरफ देना है, हल्का सा जर्क देंगे और यहां होल्ड करेंगे, फिर उस जर्क के साथ बाद में दोनों उंगलियों को, अंगूठे को और उंगली को एक साथ पकड़ेंगे, फिर जर्क देंगे, फिर दोनों उंगलियों को एक साथ पकड़ेंगे, दो इधर दो इधर, फिर जर्क देंगे, फिर पूरे हाथ को एक बार फिर से ये पकड़कर हल्का सा जर्क देंगे। ये जो जर्क हम दे रहे हैं ये मसल्स को सेट करने के लिए दे रहे हैं, और तब तक मेरे पैर का प्रेशर यहां सेम बना रहेगा, ये प्रेशर बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए। ये पूरा फिर से जर्क दिया, और ये जर्क देने के बाद में ये पूरा आपने सेट कर दिया, खींच दिया,
उसके बाद में तुरंत हाथ को सीधे रखना है और हाथ से सर्कुलेशन नीचे की तरफ भेज देना है। यानी कि आपने इसके पूरे ट्रीटमेंट का लॉजिक समझना, पहले आपने इंजरी का ट्रीटमेंट दिया, इंफ्लेमेशन का ट्रीटमेंट दिया, फिर ये एल्बो का ट्रीटमेंट जो टेनिस एल्बो है, ये पहले दिन से नहीं देना, ये तब देना है जब आपकी इंजरी यानी कि पेन खत्म हो जाए और उसकी मसल्स को सेट करना हो। ब्लड सर्कुलेशन रोका यहां तक और यहां से ऊपर की तरफ खींचा जिससे कि मसल्स अपनी जगह पर सेट हो जाए, जैसे हमने पी पॉइंट में करा था। आपको ध्यान होगा कि पी पॉइंट में हमने यूट्रस को और खींचा, जिसका यूट्रस पहले से ही नीचे खिसका हुआ है, प्रोलैप्स हो रखा है, हमने यूट्रस को और खींचा लेकिन फिर डब्ल्यूडी देकर हमने वापस उसको सेट करा। तो कुछ ट्रीटमेंट्स इसी तरीके से दिए जाते हैं कि हमें ये हो सकता है कि हमें ये लगे या सीखने वाले कोई लगे कि हम बीमारी को बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन शेर को जब लंबी छलांग लगानी होती है तो भी वो बैक जाता है फिर छलांग लगाता है। तो इसी तरीके से दोनों ट्रीटमेंट काम करते हैं, हमारा पी पॉइंट, प्रोलैप्स पॉइंट और हमारा टेनिस एल्बो, कि हमने पहले वहां सर्कुलेशन को रोका, फिर मसल को खींचा, फिर उसको सेट करा जिससे कि उसके लंबे समय तक वो ठीक रह पाएगा और परमानेंट ठीक रह पाएगा। तो टेनिस एल्बो का इलाज न्यूरोथेरेपी में 100% है, बस सावधानी से हर चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप करेंगे तो टेनिस एल्बो जैसी कंडीशंस को आप ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कोई केस मिले तो आप भी काम करिए और उसका फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।